हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एंड आज का सीन ना बहुत ही लेट हो चुका है। फिलहाल अभी जस्ट कर रहे हैं सुबह के 10। एंड आज का सीन लेट क्यों हो चुका है ना, ये मैं बताता हूँ आप लोगों को। बिकॉज आज मैं ना बहुत ही लेट उठाऊँ। एंड आज मैं लेट क्यों उठाऊँ, बिकॉज भाई साहब कल रात को ना मैं स्टेशन से ही घर बहुत ही लेट आया था, ठीक है। एंड पता है क्या, स्टेशन से घर लेट आने का मेन कारण क्या हो गया, ट्रेन ही लेट आया था यार। मतलब जैसा कि आप जानते हो कि कल मैं स्टेशन गया था किसी को पिकअप करने, ठीक है। तो भाई साहब पिकअप करने के चक्कर में ना, मतलब घर से मैंने चेक किया तो ट्रेन एकदम टाइमली चल रही थी, बट पता नहीं यार मिडिल के जो स्टेशन होते हैं ना उनमें ऐसा क्या होता है जो ट्रेन इतना लेट हो जाता है, ठीक है। मतलब भाई साहब 10 बजे आने वाला ट्रेन रात को 11:30 बजे आया, तो उसे आप लेट नहीं बोलोगे तो और क्या बोलोगे भाई। एंड 11:30 बजे जब ट्रेन आया तो भाई साहब ऑब्वियस सी बात है आधा एक घंटा तो हमें स्टेशन से घर आने में भी लगता है। तो ठीक है यार, कोई नहीं, फिलहाल हम रात को 12:30 बजे के आसपास में घर पे आए थे। एंड 12:30 बजे घर पे आने के बाद पता है क्या, कल ना मैंने कल का ब्लॉग एंड मिनी ब्लॉग कुछ एडिट नहीं किया, बिकॉज भाई साहब टाइम ही नहीं मिला यार। सीधा सा बात है, टाइम ही नहीं मिला। मतलब जैसे ही मैं आया पूरे दिन, तो मतलब पूरा दिन तो मैं बैंक में स्ट्रगल करते हुए थक गया था पूरा। उसके बाद फिर स्टेशन जाके पिकअप कर रिसीव करके उसके बाद घर पे आना, उसके बाद फिर डायरेक्ट सो जाना, बिकॉज भाई साहब इतना ज़्यादा थकावट के बाद ना और कोई काम मतलब ढंग से हो ही नहीं पाता है। तो कल तो मैं एकदम फ्लैट ऑफिस हो गया, एंड अब भी मेरे पास बहुत सारे काम है। एंड आज ना वैसे भी सुबह उठने में लेट हो गया, तो बहुत सारे काम जल्दी जल्दी मुझे निपटाने पड़ेंगे बिकॉज लेट हो गया। तो ठीक है यार, अभी का सारा काम हम निपटाएंगे, बट फटाफट से मस्त नहाने धोने के बाद एंड नाश्ता करने के बाद। एंड अभी ना फिलहाल मैं आप लोगों को चेक कराता हूँ कि नाश्ते में मम्मी ने बनाया क्या है। भाई साहब लुक एट दिस, मम्मी मस्त अपने देसी जुगाड़ पे नाश्ता बनाते हुए। भाई गर्मियों के टाइम में ये देसी जुगाड़ कहाँ देखने को मिलता है। तो ठीक है यार, अभी मम्मी मस्त गर्मा गर्म रोटी एंड सब्जी बना ली है, सो हम फटाफट भाई साहब मम्मी कुछ बोलना चाह रही है, सो हम फटाफट से चलते हैं, मस्त नहाते धोते हैं, मस्त गर्मा गर्म नाश्ता करते हैं, उसके बाद फटाफट से अपना ब्लॉग एडिटिंग अपलोडिंग का सारा काम निपटाते हैं। मस्त अपना नहाना धोना तो हो चुका है, नहाने धोने के साथ साथ मस्त अपना गर्मा गर्म नाश्ता भी आ चुका है, रोटी सब्जी एंड भिंडी एंड साथ में ना आम का अचार भी है। सो अभी ना फटाफट से नाश्ता निपटाते हैं, मस्त अपना नाश्ता पानी हो चुका है एंड साथ ही साथ मस्त अपना ब्लॉग एडिटिंग एंड अपलोडिंग का काम भी हो चुका है। एंड फिलहाल अभी मस्त हो चुके हैं 2:00 PM। एंड भाई साहब 2 बजने के साथ साथ ना भाई अभी मस्त हो चुका है लूडो टाइम, तो हाँ अभी ना चलते हैं मस्त लूडो खेलते हैं। जो हारेगा भाई, अपना तो रूल सिंपल है यार, जो हारेगा वो मस्त ठंडा भी लगेगा। तो हाँ अभी ना फटाफट से लूडो स्टार्ट, अपना लूडो खेल के तो हो चुका। एंड लूडो में मुझे यानी कि ओके ठाकुर को भाई साहब हार का सामना करना पड़ा है। एंड हारते हुए भाई साहब एज पर रूल जो हारेगा वो ठंडा पिलाएगा, ठीक है। तो अभी ना ठंडा का प्लान हो चुका है कैंसिल, अभी मस्त चिल्ड चिल्ड भाई साहब नींबू पानी का प्लान हो चुका है ऑन यार। तो अभी ना जैसे कि मैं हारा हूँ तो मुझे सबको नींबू पानी पिलाना है, तो चलते हैं यार। नींबू पानी अपना बन चुका है, सबको पिलाते हैं, खुद भी पीता है भाई। फिलहाल मस्त अपना नींबू पानी पी के तो हो चुका था। एंड फिलहाल अभी ना जस्ट हो चुके हैं 7:00 PM। एंड 7 बजने के साथ साथ मस्त अपना गर्मा गर्म चाय भी हो चुका है। एंड 7 बजने के साथ साथ भाई साहब मस्त हम हो चुके हैं मस्त ऊपर से लेकर नीचे तक रेडी एक इन्विटेशन अटेंड करने के लिए, जो कि है पता है क्या, मेरे घर से कम ना 20 से 25 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो वहाँ पे मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, हम दो लोग जा रहे हैं, तो फटाफट से जाते हैं। एंड 20-25 किलोमीटर है तो जाने आने में टाइम तो लगेगा बस, तो फटाफट से जाएंगे एंड फटाफट से इनविटेशन अटेंड करके भाई साहब फटाफट से वापस आ जाएंगे यार। बट जाने से पहले फटाफट से चाय निपटा लेते हैं। Come on, get up, come on, 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 come on
गाइज यार लुक एट दिस, भाई सब इतना ज़्यादा मोबाइल का भीड़ है कि फोटो अच्छा से आ ही नहीं रहा यार। एंड पता है क्या, अभी ना फाइनली अपना इनविटेशन अटेंड हो चुका है एंड भाई साहब मस्त खाना पीना भी हो चुका है। सो अभी फटाफट से बस चलते हैं घर पे यार, बिकॉज इतना मतलब थक गए हैं ना, मैं क्या बताऊँ यार। एंड पता है क्या भाई साहब, रात के ना 12:30-1 के आसपास हो रहे हैं, तो भाई साहब 2:30 मतलब 3 बजने ही वाले हैं, ठीक है। एंड भाई साहब हम इनविटेशन अटेंड करके जस्ट अभी घर पे वापस आ रहे हैं एंड हालत इतना ज़्यादा मतलब ख़राब हो चुका है ना बाइक चला चला के, मैं क्या बताऊँ। सो अभी ना फटाफट से चेंज करते हैं एंड फटाफट से सो जाते हैं, बिकॉज इतना ज़्यादा नींद आ रहा है ना उसका भी मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। सो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बाकी आपका जो मर्जी करिए, टेंशन फ्री रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।